सुमित महल को क्यों थैंक यू बोल रहे थे सचिन? आखिर सचिन ने जवाब दे ही दिया कि थैंक यू के पीछे का रीजन क्या था। वो एक थैंक यू इतना बड़ा साजिश था, इतना बड़ा गेम प्लान था कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए रिएक्शन वीडियो में। आज का रिएक्शन बहुत ही खास होने वाला है और आपके सारे सवालों के जो जवाब है ना इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में कृपया करके लास्ट तक में रहिएगा और वीडियो फुल देखिएगा, तभी कुछ भी जज कीजिएगा। आधी अधूरी वीडियो देख के कमेंट ना किया कीजिए, वीडियो फुल देखा कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ थंबनेल में क्या है और वीडियो में क्या है। आज हम बात करने वाले हैं सचिन राज का, जो आज का ब्लॉग आया था ना, आज सचिन राज ने फाइनली जवाब दिया है कि उन्होंने सुमित को थैंक यू क्यों बोला था लाइव में और क्यों बार बार थैंक यू बोल रहे थे। इसके पीछे का कारण जो है ना वो बहुत बड़ा है दोस्तों। सचिन राज जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, कॉल पे कॉल लगा रहे थे जगत दीदी को, जगत भैया को, मतलब उनकी फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, एकदम से तिल मिला गए थे। जैसे ना तो गुस्से में इंसान एकदम तिल मिला जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। उस समय जब बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए थे ना, तब उन्होंने कॉल लगाया था सुमित महल को। सुमित महल का जो चेहरा है ना वो भी सामने आ रहा है दोस्तों। सुमित महल को इन्होंने कॉल लगाया था और सुमित महल को इन्होंने एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई। सुमित महल को देखिए दोस्तों, सुमित महल जो हैं उन्होंने क्या कहा, जैसा कि ये सचिन बोल रहा है, सचिन की बात ही आपको बता रही हूँ कि सुमित महल ने बोला कि तुम ब्लॉग लाओ, वीडियो लाओ, यहाँ तक कि समाज में क्या करो, समाज में जो है ना वो जी याद नहीं आ रहा, मतलब तुम सारी वीडियोस लाओ, ब्लॉग लाओ और एक्सपोज करो, तुम एक्सपोज करो, तुम सारी बातें जो है ना वो रखो सोशल मीडिया पे। सुमित महल ने सचिन को भड़काया कि तुम सारी सच्चाई लाओ सोशल मीडिया पे। सचिन का ये कहना है कि जो चीज़ें थी और जो चीज़ें नहीं भी थी वो चीज़ें भी मैंने सोशल मीडिया पे लाई, मैंने सब कुछ सही नहीं बोला है, बहुत सारी झूठ भी बोली है। तो यार ये तो वही बात हुआ ना कि कभी कुछ कभी कुछ, पहले तो पूरा रायता फैला दिया आपने, पहले यूट्यूब पे आके सब कुछ बोला ऐसे वैसे, मेरा ये मेरा वो मेरी ये, और उसके बाद से अब कर रहे हैं लीपा पोती सचिन। तो सचिन राज की बात पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, सचिन सच बोल रहे हैं या फिर सुमित महल। अगर सुमित महल सच्चे हैं तो सुमित महल अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? सुमित महल को भी तो इतना सब कुछ कैसे इंसान बर्दाश्त कर सकता है, कैसे सुन सकता है? अगर कहीं ना कहीं कहीं सुमित महल का हाथ तो नहीं है इसमें सच में? और सचिन ने अभी तक, सचिन चुप क्यों थे, इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। सचिन इस अभी तक चुप इसलिए थे क्योंकि सचिन को लग रहा था कि मैंने तो शादी तोड़वा दी, अब शादी नहीं होगी, लेकिन शादी तो हो रही है जगत दीदी और जगत जीजा जी की शादी हो रही है। तब सचिन को लगी है बहुत तीखी सी मिर्ची, तब सचिन आए हैं और थैंक यू का राज बता रहे हैं। कहीं ना कहीं सचिन जो हैं, जो छवि खराब कर चुके हैं, जो चीज़ें खराब कर चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं ठीक कर दूँ। और कहते ना, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। इसलिए वो अब सुमित महल को बीच में ला रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं सुमित शादी, सुमित और नेहा के बीच दरार डालने के लिए ये सारा इंजाम सुमित पे डाल रहे हैं। ऐसा कमेंट आया है कि अब सुमित महल के ऊपर सारी चीज़ें डाल रहा है कि सुमित शादी ना करे जगत दीदी से। सचिन का कहना ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा भड़काया गया, बहुत ज़्यादा वो किया गया, प्रो ऐसे बोला उन्होंने किया गया। और एक चीज़ बता दें कि आप कोई बच्चे तो हो नहीं कि आप किसी के समझाने बुझाने में चले गए। इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने, इतना बड़ा फैसला ले लिया, एक वो भी उसके लिए जो जिससे आप प्यार करते हो, जिससे के प्यार के लिए अपनी बीवी को आप 1.5-2 साल से धोखा दे रहे हो, अभी भी धोखा दे रहे हो। सचिन राज का कहना ये है कि मनीषा का ब्लॉग आएगा मनीषा शॉर्ट पे, मेरा ब्लॉग आएगा मिस्टर एंड मिशन राज पे।
अभी भी आप अलग हो, अभी भी ब्लॉगिंग नहीं हो रही है भाई साथ में, अभी भी आप अकेले अकेले घूम रहे हो, अपना ट्रैश खत्म कर रहे हो, स्ट्रेस खत्म कर रहे हो, अच्छी बात है। आप घूमो फिरो, मूवी जाओ, पिक्चर देखो, सब कुछ करो, आप करो, लेकिन एक बार उस बीवी को भी समझो ना, एक बार उस मनीषा के बारे में भी तो सोचो, कहीं ना कहीं वो भी दुखी है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको लेके अगर आप जाते तो शायद बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता कि वो भी खुश होती, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती आपके साथ, एक साथ रह के भी, एक साथ नहीं हो आप लोग, पब्लिक यही चाहती है, जनता यही चाहती है कि सचिन मनीषा एक हो जाए, लेकिन सचिन मनीषा एक होंगे ही क्यों, क्योंकि सचिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की साइड में है, क्योंकि अभी भी आप देखिए इतना कुछ होने के बाद से अब लीपा पोती कर रहे हैं कि जो छवि हमने ख़राब की है वो हम छवि अच्छी कर दें, क्योंकि ख़राब इसलिए किए थे कि शादी टूट जाए, शादी टूट गई, अब इनको कहीं से पता चला है कि शादी हो रही है, तब इनको मिर्ची लग रही है, क्यों भाई इतना सब कुछ मैंने कर दिया फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा यार, इतना बदनाम किए फिर भी शादी हो रही है। चलो अब नया टॉपिक लाते हैं, सुमित महल को बीच में ला देते हैं, सुमित महल को पे उस सारा इंजाम डाल देते हैं, सुमित महल ने मुझे ये काम, उसने वो कहा, मार्केट में ये करो वो करो, तुम ब्लॉग लाओ वीडियो लाओ और किसी के कैरेक्टर को एकदम उछाल कर रख दो। जो चीज़ें नहीं थी वो भी मैंने कही हैं, कौन सी चीज़ नहीं थी, आपने लाइव प्रूफ दिया है ना, लाइव में सारे चैट दिखाए, जान जानू वो सब गलत था, मतलब अब आप ये कहोगे वो जो चैट थी वो किसी और की थी, मैंने जो लाइव में दिखाई थी, अब यही कहोगे आप शायद ना, जो कुछ भी मैंने कहा वो मुझसे बुलवाया गया था, सचिन राज का कहना ये है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मुझसे बुलवाया गया था, मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार, ये ब्लॉगर लोग समझते क्या हैं अपने आप को, ऑडियंस पब्लिक चूतिया मतलब सी है, बेवकूफ़ है, सॉरी मतलब बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बना रहे हो आप। जो इंसान अपने माँ बाप भाई बीवी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, सच में वो किसी का नहीं हो सकता। जो बीवी शादी करके आई है, साथ फेरे लेके आई है, आज 4-5 साल से साथ में रह रही है, इतना कुछ जानने के बाद से भी, इतनी सब चीज़ें होने के बाद से भी अपने पति के साथ खड़ी है, अपने पति के साथ है, हर हाल में अपने पति का साथ दे रही है, लेकिन फिर भी पति को अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ उस अगले इंसान की, अभी भी दर्द जो है ना वो कायम है दर्द, इसलिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं, लीपा पोती कही जा रही हैं। दोस्तों आप सबको क्या लगता है, आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।